सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि वाटर इज राइट टू लाइफ, लेकिन ये राइट से हमें महरूम रखा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं आता हूँ वहाँ पर आज भी हर 7 दिन के बाद या 9 दिन के बाद पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इस बार इतनी अच्छी बारिश हुई और जो शहर को पानी प्रोवाइड जहाँ से किया जाता है जैकवाड़ी डैम, वो पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, लेकिन उसके पानी हम 55 किलोमीटर महज अपने औरंगाबाद में ला नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पिछले गवर्नमेंट्स के जो भी नाकामियाँ रही होगी, आज वो गेट्स खोलकर पानी को बहाया जा रहा है, लेकिन हमारे पास 5 दिन 7 दिन के बाद ये बारिश पानी मिल रहा है। अब सरकार ने एक 1680 करोड़ रुपये की एक स्कीम की घोषणा की है। मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा था कि जल शक्ति मंत्री यहाँ पर बैठे हुए थे कि आप मेरा नाम नहीं पुकारे, लेकिन वह उठ के चले गए हैं। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि 70 सालों के बाद भी अगर 7 दिन और 9 दिन के बाद पानी मिल रहा है, तो सरकार ने ये वादा किया है कि हर घर जल, तो उस स्कीम के तहत औरंगाबाद को आप एक केस स्टडी के तौर पर ले और सरकार अपना सक्सेस स्टोरी बोलकर उसे प्रोजेक्ट करे कि किस शहर के अंदर जहां 7 दिन के बाद पानी मिलता था, हमने 1.5 साल 2 साल के अंदर हर रोज पानी प्रोवाइड करने का इंतजाम किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर, हाथ जोड़कर, कि 7 दिन और 9 दिन के बाद अगर पानी मिल रहा है तो हम सबके लिए बड़े शर्म और अफसोस की बात होनी चाहिए कि 70 सालों के बाद भी आज हमें पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं सर, हम बड़े बड़े घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन अपनी जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूं कि 5 दिन के बाद जब पानी आता है तो किस तरह महिलाओं को कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं।